20 लंगड़े हो सकते हैं, जिससे कि फूड पॉइजनिंग हो सकती है। सैम जैसे टिहरी और पौड़ी साइड ले जाते हैं। आजकल हमारे गांव में हो रही है बांस की उपजी, यहाँ पे माने ठंडा ठंडा पानी और गुड़ ले रखा है। आजकल तो यहाँ आसानी से आ सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड की इन खूबसूरत पहाड़ों से। सुबह सुबह मेरे दिन की शुरुआत होती है योगा करने से, व्यायाम करने से, तो ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं। तो करते हैं आज के दिन की शुरुआत। पुराने वाले घर पे अभी काम करने के लिए जाना है, लेकिन मेरा जो आज सर है ना, अजीब सा हो रहा है, पता नहीं अजीब सा दर्द सा हो रहा है। यहाँ पापा जी गए थे मार्केट, तो आज यही नए वाले घर पे कुछ काम है। बस प्रणाम सुन तेनु के वे तो घर को छूखी। तो यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा मिला, सीधे प्रणाम प्रणाम बोल के। मैंने पूछा कहाँ का है, ब्यूकी का। ब्यूकी है, यहीं पास में गांव है मेरी बड़ी वाली मौसी का। अब आगे जो ये ट्रक जा रहा है, इस पे लिखा है हंसते रहो हंसाते रहो, जो बातें दिल पे लगे बुलाते रहो। और जैसी माँ ने यहाँ पे पानी की बाल्टी रखी, ऊपर से बंदर आ गया। वैसे आज मन तो नहीं कर रहा है गौशाला में जाके या खेतों में जाके काम करने का, लेकिन अगर घर पे ही बैठा रहूंगा ना, तो ये जो बुखार हो रहा है, सर दर्द हो रहा है ना, ये बढ़ता रहेगा और फिर अजीब सा माहौल बन जाएगा। तो यहाँ हमने जो ये पौधे लगाए थे ना, इन पे थोड़ा सा पानी रुकने की जगह बना देते हैं अच्छे से, इनमें पानी डालने के लिए हो जाएगा बढ़िया से। फिर खेतों में काम भी होते रहेंगे। अब जरा मैं दिन की सब्जी की तैयारियां करता हूँ, लंगड़े की सब्जी ले आने के लिए चलते हैं। और मैं आया हूँ गौशाला की दूसरी साइड पूरी सारी, यहाँ जानवरों का डर भी रहता है। यहाँ पे कुछ तो है, अच्छा मुर्गे हैं। और बैकग्राउंड में सुनिए प्यारी प्यारी पक्षियों की आवाज, बहुत ही बढ़िया लगती है आजकल। सोचिए पुराने जमाने के लोगों ने हर वो चीज़ खाई है जिसको खा सकते थे, मतलब कि उन्होंने कोई भी चीज़ प्रकृति में ऐसे नहीं छोड़ी। मैं अपनी गौशाला के पास के सबसे किनारे वाले खेत में हूँ, और इसके बाद यहाँ पे छोटा सा गदेरा है, और यहाँ नीचे पूरा भूड़ भूड़ सा है, मतलब कि झाड़ी झाड़ी सी है, तो डर भी है भाई यहाँ बाघ का। आजकल तो यहाँ आसानी से आ सकते हैं, लेकिन मानसून के टाइम पे आना यहाँ आसान नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे झाड़ियाँ खूब बड़ी बड़ी हो जाती हैं और जानवरों का डर बढ़ जाता है। यहाँ उना तो काफी ज्यादा है, लेकिन लंगड़े नहीं मिल रहे हैं। तो मुझे कंफर्म नहीं है कि ये सही वाला लंगड़ा है या खराब है। थोड़ा बहुत लंगड़े मुझे मिले तो हैं, लेकिन इनमें किसी पे मुझे डाउट हो रहा है। कुछ 20 लंगड़े हो सकते हैं, जिससे कि फूड पॉइजनिंग हो सकती है, तो मैंने अलग रख दी है, माँ को दिखा दूंगा वो। तो अभी मैंने वीडियो में देखा कि बालों की हालत कुछ जरा गड़बड़ सी आ रही है, हेलमेट के अंदर तो ऐसे ही होते हैं बाल, बाकी थोड़े लंबे छोड़ रहा हूँ इस बार, देखते हैं कितने लंबे कर पाते हैं हम अपने बाल। हमारे इस खेत में देखिए, यहाँ पे सुअर ने ऐसे उड़ेली हुई है मिट्टी। सारे जितने भी जंगली जानवर हैं, नुकसान करने पे तुले हुए हैं इंसानों का। और यहाँ इस तिमले के पेड़ पे देखिए, खूब सारे तिमले लगे हुए हैं। वैसे आजकल इनकी भी सब्जी बना सकते हैं, क्योंकि ये कच्चे कच्चे से हैं, देखते हैं कभी। अब माँ को दिखाते हैं ये 20 लंगड़े हैं कि अच्छे हैं। पक्का ये है सबसे पक्का हुआ लंगड़ा, और इस पे देखिए पूरे बाल बाल से आए हुए हैं, तो इसको निकाल भी सकते हैं, लेकिन जो नीचे नीचे का मोटा डंठल है ना, वो यूज नहीं होता है। और इतने माँ ने भी तैयार कर लिए, तो दिन की सब्जी हमारी तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पे हमारी फापन से बॉडी जी आई है घास ले आने के लिए, और ये भाभी जी है, और ये भी कुछ लंगड़े दे रही है हमको, ये देखिए जी, दिन की सब्जी के लिए। अब तुम बात किधर गए वाह, लंगड़े भुजी लंगड़ी भुजी बात है। यही तो पहाड़ की महिलाओं की मेहनत है, फापन और बरसाल गांव से आज यहाँ घास निकालने के लिए आई हुई हैं महिलाएं, मतलब जिन्होंने यहाँ चाची लोगों से घास रखा होगा। तो सोचिए लगभग यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर दूर, और किसी ने तो बरसाल गांव जाना है, वहाँ तो 2-2.5 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई है। तो यहाँ पे देखिए बॉडी जी का जो घास का वारा है ना, बहुत बड़ा है भाई, इन्होंने यहाँ से ये फापन तक ले जाना है, और आगे जो भाभी जी का घास का वारा है वो भी काफी बड़ा है। तो यहाँ पे माँ ऊपर पेड़ पे चढ़ी है घास निकालने के लिए, और जो घास नीचे गिर रही है मुझे उसको इकट्ठा करके पूरी बनानी है। मेरी जरा हालत खराब है, फिर भी माँ के साथ काम में हाथ बटा रहा हूँ, अगर घर पे ही बैठा रहता तो हालत और खराब हो जाती। गाय भाग के आ गई यहाँ गौशाला में, अब इसको बांधना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ थोड़ा सा पालक रखा ना, इसको नुकसान पहुंचा देगा। भीतर चली सुहाब, ये बाहर तो आएगी नहीं, इसको जरा घास देना पड़ेगा। ले ले, जानवर भी बड़े चालाक हैं भाई, इनके साथ थोड़ा सा चालाकी से रहना पड़ता है।
अब जैसे ही तेज धूप लगती है तो खेतों में काम करना जरा मुश्किल सा हो जाता है। तो यहाँ पे माँ ने घास भी निकाल दी है पेड़ से और यहाँ पे थैले पे कुछ लिया रखा है। इस पे तो माँ का फोन रखा हुआ है सफेद वाले पे और ये थैला नीचे गिर गया, इसके अंदर रखा है गुड़ की टुकड़ी। बल पहाड़ी लोग ज्यादातर आपने देखा होगा गुड़ वाली चाय पीते हैं, उससे थकान उतर जाती है। तो यहाँ पे माँ ने ठंडा ठंडा पानी और गुड़ लिया रखा है। और गुड़ को हमारे यहाँ गढ़वाली में भेली बोलते हैं। पता क्या हो गया, माँ ने अपनी जो रस्सी थी वो लोगों को दे दी घास ले जाने के लिए। अब ऐसे धागे से छोटी मोटी रस्सियों से बांध के सिर में ले जाएंगे। सैम जैसे टिहरी और पौड़ी साइड ले जाते हैं। सर में बड़ा मुश्किल है ले जाना। अब हर जगह हर काम को करने का तरीका थोड़ा बहुत तो अलग रहता ही है, बाकी सिर में ले आना आसान नहीं है भाई। चलिए जी, गौशाला के सारे काम निपटा दिए हैं। यहाँ पे बिल्कुल छाया पे बैठ के मस्त मजा आ रहा है, उठने का मन ही नहीं कर रहा यहाँ से। बाकी चलते हैं अब घर की ओर। आजकल हमारे गांव में हो रही है बांस की उपजी, मतलब बांस के पेड़ों से घास काटी जा रही है। और बांस की उपजी के लिए फिक्स दिन रहता है कि जिस दिन गांव की महिलाएं सभी मिलके जंगल में जाके घास ले आती हैं। धारे के पानी से हाथ में धोने के बाद आनंद ही आ जाता है और थकान पूरी मिट जाती है। तो थोड़ा देर घर पे आराम किया और बाहर का माहौल देखिए पूरा बदल गया है। काले काले से बादल आ गए हैं और टाइम लैप्स मैंने ऐसे लगाया रहता है, हेलमेट ही रखा रहता है बाहर पे सीधे। शाम के 5 बज चुके हैं और बाहर का माहौल बहुत ही खराब हो रखा है। लगता है कि बारिश आएगी क्योंकि आज हवाएं बिल्कुल भी नहीं चल रही हैं। तो ऐसे में ही बारिश आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। बाकी सर में दर्द हो ही जा रहा है तो फिर मैंने ज्यादा कुछ काम नहीं करा, बस आराम किया। देखते हैं कब तक ये ठीक हो पाता है। बाकी थोड़ी देर में अब तैयारी करते हैं नए वाले घर पे जाने की। आज इतना अंधेरा ये महसूस हो रहा है ना, उतना हुआ नहीं है अभी। बस मौसम खराब होने की वजह से लग रहा है कि दिन ढल गया है। देखिए इस साल नीचे नीचे तो कम ही बर्फ आई है, लेकिन ऊपर ऊपर चोटियों में खूब सारी बर्फबारी हुई है। और चौखम्मा पर्वत और आसपास तो कम ही बादल है, अभी तो बढ़िया सी चमक आ रही है वहां से। और हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी स्टार्ट हो गई है, तो फटाफट जाना पड़ेगा घर तक। और एक कल वाला छोटा बच्चा फिर से मिल गया, इसके बाद देखो छोटी छोटी गाड़ी। तो चलिए जी घर पे पहुंच चुके हैं, बाकी अब आप एंजॉय कीजिए गांव के प्यारे प्यारे से खूबसूरत से नजारे। बाहर अंधेरा भी हो चुका है और बारिश भी शुरू हो गई है हल्की फुल्की। इस साल टेम्परेचर काफी हद तक मेंटेन है, अगर बारिश नहीं होती तो अब तक काफी ज्यादा गर्मी बढ़ जाती, वैसे भी इस साल बर्फ कम पड़ी थी। बाकी यहाँ पे इंस्टाग्राम के लिए रील भी बना रहा हूँ, पहाड़ी_बाइकर इंस्टाग्राम हैंडल है, आप वहाँ पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको प्यारे प्यारे से ड्रोन शॉट वाली रील दिखाई देंगी। तो इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आलोक राणा मिलता हूँ आपसे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।